निर्भो निर्वैर कालमूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील मम शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये मम कर्ता नानक लेप छेप न लिपियते मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन छुड़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान्य गुरु रुखसाद संघ जीओ सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी महाराज दियां दो पंक्तियां तो इस वक्त विचार आप जी के सामने रखण की कोशिश कर रहे हैं। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुरु बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। साहिब कहिंदे ने शब्द में की सुनिया मानो सीने नू तीर दी तरह लगे। शब्द सुनन दा विषय वेखण दा नहीं। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सर्वन दर्शन ने नेत्र दर्शन नहीं। गुरु नू सुनना है। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुरु की सिख सुनी। उपनिषदां दे ऋषि कहिंदे ने श्रुतवा धर्मं विजानाती भई सुनन तो ही धर्म की प्राप्ति होंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास। सुनदिया ही दुख नास हो जाते हैं सुनदिया ही पाप नास हो जाते हैं सुनदिया ही सदीवी खेड़ा अंदरों जन्म लेंदा है सुनदिया ही कोई सिद्ध बन जाता है पीर बन जाता है नाथ बन जाता है ज्ञानी बन जाता है ध्यानी बन जाता है इतना पावन हो जाता है कि 68 तीर्थ उस तो सदके किए जा सकते हैं। इतनी महिमा। भोजन की बुरकी मूँह दे राही अंदर जाएगी वो पचेगी ते पचन तो बाद बनेगी खून मिंज मांस हड्डियां इंद्रियां दी ताकत। शरीर दा जिहड़ा बल है शरीर दी जिहड़ी सतह है वो सब भोजन ते खड़ी है पर भोजन दी बुरकी मूंह दे च पा लईए थल्ले ना करिए इस नाल भुख नहीं मिटेगी। हो सकता है थोड़ा जिहा स्वाद आ जाए। पानी दा घुट मूंह दे च रख लईए थल्ले ना करिए हो सकता है थोड़ी जिहा होंठां दी खुशकी दूर हो जाए पर प्यास नहीं मिटनी। शरीर दी जरूरतां दी पूर्ति नहीं होवेगी। गुरु दा शब्द मेरी जबान पढ़दी जाए गायन करदी जाए पर कान ना सुनन तो शब्द अंदर प्रवेश नहीं करता। तो जिस शब्द ने अंदर प्रवेश ही नहीं किया अध्यात्मक बल कितों बनेगा। इस वास्ते गुरु नानक ने शर्त लाइए गावीए सुनिए मन रखिए भाव। तो गायन कर वाहेगुरु वाहेगुरु पर सुन भी। अगर सुनिया नहीं तो वाहेगुरु वाहेगुरु आख्या होया हवा चुड़ गया।
बथेरा तो हवा च ही उड़ जाता है। ठीक है, हवा थोड़ी पवित्र हो सकती है, वाइब्रेशन बन सकती है, पर मनुख की अपनी उन्नति किस तरह होगी, क्योंकि शब्द ने अंदर तो प्रवेश नहीं किया। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, मन दे भरोसा ते प्रेम भी होवे। भाव शब्द जिहड़ा है ये दो अवस्थावां दे जोड़ तो बनता है, भाव प्रेम ते भरोसा। ऐसा होंदा है किसी ते असी भरोसा ते कर लैंदे आ पर उस नाल प्रेम नहीं है, पर किसी नाल प्रेम है भरोसा करना औखा हो जाता है। तुसी आखोगे निराली गल करदा है, नहीं, बच्चे नाल बड़ा प्रेम है, अपने बच्चे नाल, मासूम बच्चे नाल, वो पिठ ते हाथ लांदा है छाती ठर जाती है, बहुत प्रेम है, पर उहदी हर गल ते भरोसा थोड़ी करांगे, नादान है ना समझ है, उहदी हर गल ते थोड़ी भरोसा करांगे। पर ऐसा होंदा है किसे ते सानू भरोसा है भई ये काबले एतवार है, इस ते भरोसा किया जा सकता है, पर उस नाल कोई गूढ़ा संबंध नहीं, यकीन जो है उहदे नाल कोई प्रेम नहीं है। प्रेम ते भरोसा जब ये दोवें अवस्थावां कठियां होवन तो इस अवस्था का नाम बनता है भाव, भावना। भावना दे भरोसा होंदा है, भावना दे प्रेम होंदा है। सिर्फ प्रेम नहीं भरोसा भी है, सिर्फ भरोसा नहीं प्रेम भी है। और संगत दे उस मनुख नू लाभ लेंदा होया समझ लो जिसकी भावना वध दी जाए, जिसकी नहीं वध रही उन्हों अजे पूर्ण तौर पर लाभ नहीं मिल रहा। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भावना तो बिना किथे भक्ति, जिथरे भाव अंकित हो जाए उन्होंने कहते हैं भगत। भगत के अखरी अर्थ ने भाव अंकित, संस्कृत का शब्द है भगत, भाव अंकित। जिथे भाव अंकित हो गया, प्रगट हो गया, बन गया भगत। भगत और किसनों कहते हैं? भगत ओ जिथे प्रेम अंकित हो गया, जिथे भरोसा भी अंकित हो गया। भरोसा मनुख का यह भरोसा ही डोलदा है, इसे वास्ते अरदास है, डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। ए प्रभु तू अपना हथ दे, भरोसा डोलदा है, यकीन डोलदा है। और मैं अर्ज करा मनुख दे अंदर सिर्फ श्रद्धा नहीं, श्रद्धा दे नाल नाल शक भी है, सिर्फ भरोसा नहीं अंदर इनकारी बिरतियां भी हैं। कथा सुन के कीर्तन सुन के गुरुद्वारे आके सत्संग दे दर्शन करके थोड़ी जिहा श्रद्धा पैदा होई, दिन भर दुनियावी हालात देखे संसार दे हालात पढ़े अंदर शक पैदा हो गया, पता नहीं है भी सही कि नहीं। श्रद्धा शक, श्रद्धा शक, इसे ची सारी जिंदगी बतीत हो जाती है। इसे नू कहिंदे डोलना, मन डोलदा रहिंदा है। श्रद्धा पैदा हुई एक कदम अगे, शक पैदा होया एक कदम पिछे। अगर कोई मनुख सारी जिंदगी इस तरह चलता रहे, एक कदम अगे एक कदम पिछे, चल चल के टूटेगा, थकेगा, पहुंचेगा किधरे भी नहीं। भावे मेहनत उसकी बड़ी, भावे साधना उसकी बड़ी, भावे चल चल के टूटे है थके है, पर किधरे भी नहीं पहुंचे है। क्यों? एक कदम अगे एक कदम पिछे, उत्थे दा उत्थे रह गया। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, ती ती चाली चाली साल तो कई गुरुद्वारे आते रहते हैं, जवान तो बुढ़े हो गए ने, पर चाली साल पहले जिथे सन अज भी उत्थे ही ने, कोई उन्नति नहीं हुई, कोई अगां वधु नहीं होया कम। कारण श्रद्धा शक, श्रद्धा शक, मन डोलदा रहा।
श्रद्धा पैदा हुई सत्संग दे च बैठा है, शक पैदा होया कुसंगत दे जा बैठा है। श्रद्धा पैदा हुई दान दियां बिरतियां अंदर पैदा हुई, शक पैदा होया बेईमानी। श्रद्धा पैदा हुई इस सुखमनी साहब का पाठ पिया करता है, शक पैदा होया गंदे गीत पिया लापता है। श्रद्धा पैदा हुई रसना नाल मिठा पिया बोलता है, शक पैदा होया कौड़ा पिया बोलता है। श्रद्धा पैदा हुई अमृत छकण का ख्याल पैदा हो गया, शक पैदा होया शराब की बोतल खोल के बैठ गए। शक तो बिना तो नहीं हो सकता है। श्रद्धा शक, श्रद्धा शक, श्रद्धा पैदा हुई सत्संग, शक पैदा होया कुसंगत। और हैरानगी आती है जिन्हों सत्संग देखीदा उ कुसंग देच। जो बहुत बहुत वड्डा दान कर लेंदे ने उही बेईमानी करन दे उत्ते उत्तर आउंदे ने। कारण श्रद्धा शक, जब श्रद्धा पैदा होंदी है तो गुण जन्म लेंदे ने, जब शक पैदा होंदा है अवगुण। जीवन सारा इस तरह ही बतीत हो जाता है। भगत जिथे भावना अंकित हो गई है, भगत जिथे भरोसा ते प्रेम अंकित हो गया है, भगत दे अखरी अर्थ ही ने, जिथे भावना अंकित हो गई, दृढ़ हो गई है, टिक गई है, भगत। यह अवस्था उदों बनती है जब शब्द अंदर समा जाए, अंदर वस जाए। मैं फिर अर्ज करा, भोजन दी बुरकी मूंह दे राही अंदर जाएगी, खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, जो कुछ भी है शरीर, आखिर भोजन का ही मुजस्मा है और की है। खून है, मिंज है, मांस है, हड्डियां ने, ये भोजन का इकट्ठ है। ना छकी भोजन है, कुछ दिन ही शरीर चलेगा, खत्म हो जाएगा, नहीं रह सकेगा। भोजन दी बुरकी मूंह दे च रख लिए, थल्ले ना करिए, भुख नहीं मिटेगी। गुरु दा शब्द सिर्फ जबान ते कन ना सुनन तो अध्यात्मक बल दी प्राप्ति नहीं आउंदी, अध्यात्मक रस दी प्राप्ति नहीं आउंदी। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान करदे ने, गुरु दा शब्द की सुनिया तीर दी तरह लगे। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन। बचन ते सुन दी वस्तु है, शब्द ते सुनना है। इस वास्ते कहने ने सरवन दर्शन। थोड़ा जिहा इसका मैं इंज भी खुलासा कर दिया। जिन्हां ने गुरु नानक नूं वेख्या, वेखण वालियां ने भूतना भी आख्या, बेताला भी आख्या, पत्थर भी मारे। रोहेलखंड दे बरदा फरोशी जिथे मनुखा नूं वेचिया जांदा सी, पकड़ के सतगुरां नूं मंडी च खड़ा कर दिता, बगदाद दे खूह दे सुट दिता, बाबर ने जेल दे पा दिता, किसी ने भूतना आख्या, किसी ने बेताला आख्या। दूर क्यों जाओ, 20 रुपया बदले पिता ने भी दो चपेड़ा मार दितियां। ममता दी मारी हुई मां भी कह लगी, पुत सुधाई लगता है। जिन्हां ने वेख्या उन्होंने भूतना बेताला कह दिता, पर जिन्हां ने सुनिया निहाल हो गए, जिन्हां ने सुनिया कपाट खुल गए, जिन्हां ने सुनिया ब्रह्मज्ञानी हो गए। इतिहास के सारे पन्ने थोड़े सामने ना रखा, सिर्फ उपरों उपर मुख्तसर। जिन्हां ने सिर्फ धन गुरु अंगद देव जी महाराज नूं वेख्या, वेखण वालियां ने अपनी नगरी चो कढ दिता सी, अपने पिंड चो कढ दिता सी, आख्या सी या ते मीह वरसाओ या साडा पिंड छोड़ जाओ। इतिहास है। महाराज कहण लगे, मीह करतार दे हत्थ च है, आपां छोड़ जांदे आ थोड़ी नगरी, पिंड छोड़ देने। जिन्हां ने वेख्या
उन्होंने पिंड छोड़न ते मजबूर किया, जिन्होंने सुनिया वो नदरी नदर निहाल होए बख्शिश रहमत। जिन्होंने धन गुरु अमरदास जी महाराज नू वेख्या, वेखण वालिया ने मरवाहे ने अकबर के दरबार में गुरु अमरदास जी महाराज के खिलाफ कोई 150 दस्खत करा के मेजरनामा पेश किया। जब सारे वर्णा नू एक कोई पंगत च बिठा के लंगर छकाण की प्रथा चलाई गुरु अमरदास जी महाराज ने, तो बथेरिया ने कह दिता यह भी सुधाई है। पहली अवस्था च निथावां भी कह दिता, एक जुलाही ने निथावां, पर जिन्होंने सुनिया सुनन वालियां दी रसना तो फिर हकीकी बोल निकले। निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे माण गुरु अमरदास, नेओटियां दी ओट गुरु अमरदास। मुख्तसर मैं अर्ज करदा पिया सारे पन्ने ने, जिन्हां ने सिर्फ वेखिया धन गुरु रामदास जी नूं, वो सोडी भी ईरखा करदे रहे, यतीम बच्चा ही ते सी और की है, घुंगणियां वेचदा हुंदा सी, मां बाप मर गए सन, नानी ने पालिया, बथेरियां ने बुरा बुरा भी आख्या, पातशाह भी कहिंदे ने कोई भला कहो भावें बुरा कहो अमतन दियो है डार। पर जिन्हां ने सुनिया धन गुरु रामदास जी महाराज नूं सदके गए, जिन्हां ने पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी नूं वेख्या, वेखण वालिया ने तत्ती तवी ते बिठा दिता, वेखण वालिया ने उबलदी देख दे च बिठा दिता, वेखण वालिया ने उपर रेता पाया गर्म गर्म, इतिहास है। पर जिन्हां ने सुनिया वो सदके गए कुर्बान गए। साई मियां मीर, भाई गुरदास, बाबा बुढ़ा, कवि जमाल हुसैन, भाई मंझ, भाई बन्नो, भाई सालो, जिन्होंने सुनिया वो सदके गए कुर्बान होए। पर जिन्होंने वेख्या, वेखण वालिया ने तत्ती तवी ते बिठा दिता। सतगुरु नू सब को वेखदा, जेता जगत संसार डिठिया, मुकत ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्हां ने सिर्फ वेख्या छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नो, गुजरात दी गल, गुजरात एक शहर लेंदे पंजाब दे जो अजकल पाकिस्तान दे च है, गुजरात हिंदुस्तान दे च एक सूबा है जिसकी राजधानी अहमदाबाद है। गुजरात एक शहर सी देश दी वंड तो पड़े पहले, बहुत वड्डा शहर गुजरात, और इंज कह लो इसे जिले दे सिखां दी सब तो ज्यादा वसों सी। ये गुजराती सिंह अज हिंदुस्तान दे हर शहर दे च मौजूद ने। इत्थे छेवें पातशाह घोड़े ते असवार महल नाल सन, बच्चे नाल सन, पूरे लाओ लश्कर दे नाल जद लंघे, दरगाह ते बैठा एक फकीर बाहर निकल के तंज करन लगा, आखन लगा स्त्री की ते फकीर की, पुत्र की ते फकीर की, फिर दौलत की ते फकीर की, ते तंज च कहन लगा हिंदू की ते फकीर की। सतगुरु ने घोड़े दियां वागां खिचियां रोकिया, आख्या फकीर साईं सुन, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान, तू केड़े चकना च पे, तू गल नू समझे ही नहीं। स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान, झुकया फकीर फिर गल नू समझ के। तो मैं अर्ज करा जिन्हां ने वेख्या, वेखण वाले ने ते तनस कर दिती है, मोतियां दी मालां गल दे च पहन ली, शीश ते कलगी ला ली, इह छेवें पातशाह ने भी कलगी लाई सी, मोतियां दी मालां पहन ली, हथ दे च हीरे,
मोतियां नाल जड़त कंगन पहनते ने, जर्री का लिबास पहनते ने, घोड़े की असवारी करते ने, सोने के सिंघासन ते बैठते ने। तर्क पर विवेक सर दे जिन्हां जिन्हां ने गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तो शब्द की विचार सरवण की, ज्ञान सरवण किया, कपाट खुल गए उन्होंने जिन्होंने सुने। वेखण वाले गुरु हर राय साहब जी नाल भी सहमत नहीं होए इतिहास, पर जिन्होंने सुने सदके गए। वेखण वालिया ने तो एकदम इतराज कर दिता, अठवें गुरु नानक ते हैं साढ़े पंज वरिया का बालक ते गुरु नानक अठवें पातशाह। आम लोगों ने तो इतराज किया कुरुक्षेत्र के निकट एक चोटी दे ब्राह्मण विद्वान पंडित ने इतराज कर दिता। उन्हें कटाक्ष करदियां आख्या द्वापुर दे च होए ने कृष्ण जी ते थोड़ा ना है श्री गुरु हरि कृष्ण, इन्ना लंबा नाम। उन्होंने गीता उचारण की सी, तुसी गीता दे अर्थ ही कर दो। कोल गुंगा जीवर बैठा सी, पातशाह ने उदे सिर ते छड़ी रखी, आखिया गीता पढ़दा जा ते अर्थ करदा जा। वो सुर देच गीता पढ़दा गया, वो बड़ी मधुरता दे नाल अर्थ करदा गया। स्रोते ते दंग रह गए, ये ब्राह्मण भी दंग रह गया, हैरान हो गया, चरनी आके डिगया ते कहन लगा जिस दी छड़ी देच इतनिया बरकता ने उदे विच कितनिया बरकत आउणगी। माफ करना मैनों उल हो गई। जिन्हां ने वेख्या इतराज किया, बच्चा है साढ़े पांच साल की उम्र, साढ़े सात साल की उम्र दे रुखसत हो गए, साढ़े पांच साल तक रहे। ये लंबा चौड़ा खुलासा इतिहास किसी वक्त फिर मैं आप जी के सामने रखांगा। जिन्हां ने सुनिया वह सदके गए, जिन्होंने वेख्या वो कदी सहमत नहीं होए, जिन्होंने वेख्या उन्होंने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं दिल्ली दे चांदनी चौंक दे शहीद कर दिता। उस तो पहले ऐसे पिंजरे दे कैद रखे जिहदे सतगुर हिल भी नहीं सकते सन, सूलां सन उस दे, जे हिलन तो चुभदियां सन, उस दे रखे है। पर जिन्होंने सुनिया उन्हां च त्याग पैदा होया, वैराग पैदा होया, भगती पैदा हुई। जिन्होंने दसवें गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं वेख्या, वेखण वाले ते कतई नहीं सहमत होए, बाईधार दे राजे ब्राह्मण सोडी राम राय और वक्त दी हकूमत दा बानी औरंगजेब कदी सहमत नहीं होया, और हमेशा ही संघर्ष करते रहे। अला यार खां लिखते ने आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। हे धन गुरु गोबिंद सिंह जी, चारों पासे अदावता ने थानू कदी चैन नाल बैठन नहीं देता। बायुधार दे राजियां दी अदावत, औरंगजेब दी अदावत, सोडियां दी अदावत, धीरमल दी अदावत, राम राय दी अदावत, ब्राह्मणी समाज की अदावत दुश्मनी, और ये फकीर अला यार खां कह रहे आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। जिन्होंने वेख्या वो तो कतई सहमत नहीं होए, पर जिन्होंने सुनिया वो सुन के निहाल होए। पीर बुद्धू शाह जैसे, भाई नंद लाल जैसे, पंज प्यारे भाई मनी सिंह जैसे, उते सदके होए, उते कुर्बान होए। जिन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं सिर्फ वेख्या, सिर्फ वेखण वालिया ने सन 84 च हजारां गुरु ग्रंथ साहब दी बीड़ां दी बेद भी की थी, साड़ के सुट दित्तियां, जला दित्तियां। पर जिन्होंने
सुने है वह तो एक एक पंक्ति तो सदके जाते निछावर जाते कुर्बान जाते सदके जाते एक एक पंक्ति तो गुरु सुन का विषय है वेखण का नहीं ये भी मैं अर्ज करते हैं सुन का विषय है और सुनना ही तो कठिन है बिना पूरे ध्यान तो सुनना औखा होगा। मैं इसनों इंज भी बयान करता हूं साढ़े हिंदू वीर जाते ने मंदिर के दर्शन करन किसी मूर्ति दे किसी तस्वीर दे सारी साधना उन्हां दी दर्शना ते खड़ी है वेखण ते खड़ी है। साढ़े मुसलमान भरा जाते ने मस्जिद विच पढ़न लई नमाज सारी साधना पढ़न ते खड़ी है पढ़ना है। सिख जाता है गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द सारी साधना कन्ना ते खड़ी है वेखना तो आसान है अखां दे सामने जो कुछ भी होएगा दिस पाएगा तो देखण नाल की कुछ भी नहीं आता देखना आसान है देखण नालों थोड़ा जिहा पढ़ना कठिन है क्योंकि थोड़ा बहुत ध्यान चाहिए ता ही बंदा पढ़ सकेगा वरना नहीं। तो मुसलमान जाते ने मस्जिद विच पढ़न लई नमाज सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। सिख जाता है गुरुद्वारे सुनन ले गुरु का शब्द सारी साधना कन्ना ते खड़ी है पूरे ध्यान तो बिना सुनना औखा है। एक बंदा उची उची बोल रहा होंदा है दूजा सुन रहा होंदा है ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी तू क्यों नहीं सुनी कहिंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो गल ते सारी ध्यान दी सी ध्यान ना होवे कन्न नहीं सुन सकते पूरा ध्यान चाहिए। तो जब कोई पूरे ध्यान नाल गुरु का शब्द सुनता है शब्द ऐसा मंत्र है वो इंज लगता है हिरदे देच मानो तीर अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। इमें शब्द की सुने है शब्द ते मन नू तीर दी तरह जा वजे तन नू तीर निकल लगे तन दे चो खून निकलेगा मन नू शब्द लगे गुरु दा शब्द लगे मन दे चो वासना निकलेगी तन नू तीर लगे तन छलनी हो जाएगा खून निकलेगा मन नू गुरु दा शब्द तीर दी तरह लगे अंदरों वासना निकल जाएगी मन दे चो लोभ निकल जाएगा हंकार निकल जाएगा। तन दे चो जैसे जैसे खून निकले तीर लगन तो बाद तो तड़पदा होया बंदा कहिंदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी वो पानी मंदा है। ते गुरु दा शब्द तीर दी तरह मन नू लग जाए ते मन छलनी हो जाए रसना कह उठती है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वो तड़पे हिरदे नाल करदा है वो जिवें हाय पानी मंग रहा है कोई मूंह दे उहदे पानी पा दे कहिंदे उसकी जिंदगी बच सकती है। इस तरह जब गुरु का शब्द मन नू लगता है वासना निकलती है वह भी तड़पदा है तो उहदी जबान जपन लग पैंदी है वाहे गुरु वाहे गुरु वह वाहे गुरु आखना कुछ होर है उहदे च कुछ होर गल है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुरु बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। एक बहुत गहरी पीड़ गुरु रामदास जी महाराज कहते ने यह दूसरा तीसरा नहीं जान सकता। रविदास भी कहते लागी होए सो जाने पीर राम भगत अणयाले तीर। होर भी मैं अर्ज करा दुनिया दे च पीड़ा भावें बहुत तरह की है दुख बहुत तरह के ने पर भाई गुरदास जी कहिंदे ने अध्यात्मक पीड़ा जितनी गहरी है दुनिया दे च कोई पीड़ा इतनी नहीं है। एक सवैया इस दे संबंध च मैं आप जी के सामने रखा भाई गुरदास जी का गुरु घर के वेद व्यास आप दी बाणी नू कुंजी आख्या गया कुंजी ताले नू खोलन लई आउंदी है
गुरु के शब्द जिथे जिथे बिखड़े ने समझ दे नहीं आते भाई गुरदास ने खो ले लिया। इंज कह लो गुरबाणी के पहले टीकाकार भाई गुरदास जी ने गालबन कोई 150 शब्द उन्होंने खो लिया भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी कवित सवैया त्यौहारा च। जिस एक उदाहरण मात्र मैं थोड़े सामने रखते हैं, नानक मेर शरीर का एक रथ हुआ, इसनु भाई गुरदास जी इंज बयान करते हैं, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। सलोक पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत गुरु नानक देव जी का। इनू भाई गुरदास जी इंज खोल दे, पौन गुरु गुरु शब्द है, वाहेगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। एक एक शब्द नू भाई साहब खोलते हैं, एक एक पंक्ति नू। मेरे जो पढ़न दे आया स्टडी करते हाँ, कोई 150 शब्द ऐसे ने जिन्हों भाई जी ने अपनी वारा दे अपने कवित सवैया च खोले है भी ये शब्द की कह रहे हैं। इस वास्ते भाई साहब जी दे समय तो ही सिखा च एक गल प्रचलित हो गई कि आप दे बचन कुंजी ने शब्दों खोलते हैं, ताले खोलते हैं, रमज का पता चल जाता है, रहस का पता चल जाता है और शब्द का बोध हासिल हो जाता है। भाई जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है, अग्न जरत शरीर अग्नि दिच जल रहा होवे, ज्वालामुखी अग दिच कोई पै जाए ते जलद्या होया जड़ी शरीर नू पीड़ा आउंदी है। भाई साहब कहिंदे इकट्ठी करिए, बड़ी भयंकर पीड़ा जीवदा जागदा मनुख अग दिच जले। अग्न जरत जल बूढ़त, बहुत गहरा पानी होवे ते उस अथाह गहरे पानी च कोई डुब रहा होवे ते डुबदिया होया तड़पदिया होया वह जिहड़ी पीड़ा है, भाई साहब कहिंदे ने वह भी इकट्ठी करिए। अग्न जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरे नाग ने सप ने डंग मार दिता है, जहर चढ़नी शुरू हो गई शरीर दे। उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा आती है, भाई साहब कहते हैं वह भी इकट्ठी करिए। अग्न जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है, अनेक तरह के शस्त्रा नाल तन दा रोम रोम जख्मी होवे, एक एक रोम दे खून की धार वग रही होवे, वो जिहड़ी पीड़ा है, भाई साहब कहिंदे ने वह भी इकट्ठी करिए। एक पंक्ति च इतनी पीड़ा। दूसरी पंक्ति, बिरथा अनेत अकबदा अधीन दीन गत ग्रीखम और सीत बरख माए निस्प्रात है, लोड़ा अनेका वन ते पूरी एक भी ना होवे। मकान दी लोड़ है, मकान कोई नहीं, कपड़िया दी लोड़ है, कपड़ा कोई नहीं, भोजन दी लोड़ है, भोजन नहीं है, पानी दी लोड़ है, नहीं मिल रहा। बिरथा अनेक लोड़ा अनेका वन ते पूरी एक भी ना होवे, इस दे नाल जिहड़ी पीड़ा आउंदी है, भाई साहब कहिंदे ने इह भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीन गत, शरीर देच कोई भयंकर रोग होवे जिहदे नाल बड़ी तड़पना होवे, दंद दुखदा होवे, अख दुखदी होवे, कोई तीबर बुखार चढ़िया होवे, कोई होर पीड़ा होवे, भाई साहब कहिंदे ने इह भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीन गत, पराई अधीनगी दे च रहना पै रहा होवे ते बेकसूर होंदिया भी गालां सुननियां पैन, ताड़ना सुननी पै ते अगों जवाब देण दी हिम्मत ना होवे, उस समय जो मन नूं पीड़ा आउंदी है, भाई साहब कहिंदे ने उह भी इकट्ठी करिए। अधीन दीन गत,
ਪਰਾਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤਾੜਨਾ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖ ਮਾਇ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਗਊ ਦੁਜ ਬਧੂ ਬੰਸ ਵਿਸਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖ ਦੋਖ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ, ਗਊ ਦਿਜ ਬਧੂ ਬੰਸ ਵਿਸਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖ ਦੋਖ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਥੀ, ਗਊ, ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਕੁੱਤਾ, ਘੋੜਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਊਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਜ ਗੜ੍ਹਾ ਤੇ ਛੂਟਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉ ਬਰਨੋ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਐਸੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਰਨਾ। ਗਊ ਦਿਜ ਬਧੂ ਬੰਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਲ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰਨਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮਨ ਪੀੜਿਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਦਿਜ ਬਧੂ ਬੰਸ ਵਿਸਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖ ਦੋਖ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੋਧ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧੇ ਪੀਆ ਕੇ ਵਿਛੋ ਪਲ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਜਾਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਉਸ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਧੀਰ। ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਭਰਈਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਹੈ ਬਾਇਆ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਇ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ।
सतगुरु सूरमे ने ऐसा बाणी दा बाण मारिया है ते सुन के वो ऐसा तीर लगे है मैं ते भौए ते गिर पिया। भाव हंकार मिट गया, निकल गया, मैं ते सारियां दे चरणां दी खाक बन गया। दूजे श्लोक दे कबीर कहिंदे ने, कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान। तवज्जा बख्शनी, गुरु ने ऐसा शब्द दा बाण मारिया, गूंगा हुआ, गूंगा हो गया, गूंगा भाव हुण मेरी जबान मिथिया नहीं बोलदी, कौड़ा नहीं बोलदी, गूंगा हो गया। दूसरा, बाण लगदियां जो पीड़ा है ते इस पीड़ा दे जिहड़ा स्वाद है मैं बयान नहीं कर सकता। पीड़ा भी है अथा, पर इस पीड़ा दे इक रस भी है। अमीर खुसरो एक सूफी संत होए ने हिंदुस्तान दे, ये उर्दू दी शायरी दे जन्मदाता भी ने, इस तो पहले उर्दू दी शायरी नहीं सी, कवाली संगीत दे जन्मदाता ने, उस तो पहले कवाली भी नहीं सी। जिन्होंने कभी संगीत दे संबंध स्टडी की थी होवे उन्हां नूं पता होवेगा कि कवाली संगीत दे जन्मदाता अमीर खुसरो ने, उर्दू दी शायरी दे जन्मदाता अमीर खुसरो ने, और उर्दू भाषा दे जन्मदाता अमीर खुसरो ने। सूफी फकीर से एक कहिंदा है, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। कहिंदा ऐ खुदा, ये जिहड़ा मैं रोज दुआ करदा अरदास करदा, तू मैनू मिल, तू मैनू मिल, तू मैनू मिल, मेरी अरदास कबूल ना करी, बस मैनू अरदास करन दे, इस तड़पण दे च भी स्वाद है, इस दे च भी रस है। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। कोई नहीं तेरे विछोड़े च हिरदा तड़पदा रहे, इहदे च वी रस है, पर कम से कम मैनू इतना एहसास होवे कि मैं तेथों विछड़े आया और मेरा हिरदा तड़पे। कबीर कहिंदे ने, जो रस है उस तड़पण दे च मैं बयान नहीं कर सकदा। गूंगा, कबीर गूंगा हुआ बावरा, बावरा कहिंदे ने भोले नूं, ते भोले दे अर्थ किधरे मूर्ख ना कर देना। आम पंजाबी दे ते कहिंदे ने बड़ा भोला है भाई, ना समझ है, समझ नहीं। भोले दे अर्थ भी यही ने जिथे हिरदा भावना नाल भर जाए, भावना ही भावना है, भरोसा ते प्रेम, जो भावना नाल भर गया भोला। चलाक जो हंकार नाल भरिया होया है, दुनियावी सियाणप नाल भरिया होया है, चलाक बंदा बारों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है, भोला अंदरों बारों एक होंदा है। बिना भोले पा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं, बिना चलाकियां तो संसार की प्राप्ति भी नहीं। कबीर ने साफ कह दिता है, चतराई ना चतर भुज पाईए, परमात्मा चतराइया नाल नहीं मिलेगा। सह सियाणपां लक होवे ता एक ना चले ना, बुथेरी सियाणप कट्ठी कर ले, बुथेरी विद्या कट्ठी कर ले, इहदे नाल की होना है। बहुत तरह दियां तू चलाकियां भी कट्ठियां कर ले, बहुत सारी तू सियाणप भी कट्ठी कर ले, इहदे नाल की होना है, हंकार ही वधेगा। चलाक बंदा अक्सर बाहरों कुछ होर आउंदा है, अंदरों कुछ होर आउंदा है। चतराई न चतर भुज पाईए, रे जन मन माधो सें उलाइए। कबीर कहिंदे ने, कहे कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रग राया। परमात्मा तो मिलता है भोले बा नाल। सारे देश दे एक महान योगी होया है शिव जी, जिन्हों सारे कहिंदे ने भोला नाथ, भोला नाथ, भोले शंकर, भोला भोला। भोले तो मुराद की जो अंदरों बारों एक हो गया। चलाक बंदे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते मनुख भी नहीं मनते, कहिंदे मनुख भी नहीं है, बाहर कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है।
ज़फ़रनामा श्री मुखवाक पातशाही दसवें पातशाह कहते हैं हमू मर्द बायद शवद सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। औरंगजेब ने जो लिखे है, ऐ औरंगजेब मैं तो तेनों मनुख भी नहीं कह सकता, तेरी जबान दे कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है, तेरे चेहरे ते कुछ और है, तेरे अंदर कुछ और है, दो दो रूप तू चलाक है, बहुत चलाक है। ईरान का सूफी फकीर हाफिज कहता है हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेश्त, हजारा जिंदड़ियां उस बंदे तो सदके कीतियां जा सकदियां, कुर्बान कीतियां जा सकदियां जो अंदरों बारों एक है, जो दिल दे च है वह जबान ते, जो जबान ते वह दिल दे च है। बड़ी वड्डी गल है, भोला मनुख धोखा खा सकता है धोखा दे नहीं सकता, चलाक बंदा धोखा दे सकता है धोखा खा नहीं सकता, पर हजार दफा धोखा खा लैण नाल यकीन जानो आत्मा टेंदी कला च नहीं जाती जितनी कि एक दफा किसी नूं धोखा देण नाल चली जाती। इस वास्ते फकीर कहिंदा है हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त, हजारा जिंदड़ियां उस तों कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने जिहदी दिल ते जबान एक है, बोला है। बाबा फरीद भी स्पष्ट कहिंदे ने जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे, एकाग्रता बख्शनी ये तो कच्चे लोग ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। कबीर कहिंदे ने ओला हो गया अंदरों बारों एक हो गया, कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, कन्ना तो बहरा हो गया, हुण मिथिया मैं नहीं सुनदा, फिजूल मैं नहीं सुनदा, हुण जो कुछ भी सुनदा प्रभु दे बोल सुनदा। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण, सतगुर ने ऐसा बाणी दा बाण मारिया पैरां तो पिंगला हो गया, भाव मन दी दौड़ दौड़ भज मिट गई है, पिंगला हो गया। इनू एक उर्दू दे महान शायर फिलसफी जनाब मिर्जा गालिब ने बड़े सोहने ढंग नाल बयान किया है पैर दे टुटण दी अवस्था नूं। कहिंदा मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, कहिंदा ये जड़ा मेरा पैर टुट गया ना, टुटे हुए पैरां दा मेरे उत्ते बहुत वड्डा एहसान है, बहुत वड्डा। किस तरह? कहिंदा मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, मैं तो तेरे दर जोगा हुआ कि तेरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदे प्रेम दी गल मैनू समझ ते आ गई है पर मैं समझावां किस तरह, मैं बोल ही नहीं सकदा, मैं कुछ कह ही नहीं सकदा, गूंगा हो गया, मन दी सारी भटकना मिट गई है क्योंकि मन पिंगला हो गया। मेरा चित ना चलत मन भयो पंग, स्वामी रामानंद बसंत राग दे बड़ा सोहना शब्द है उन्होंने, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चेतना चलत मन पायो पंग, पंग कहते पिंगले नो, मन पिंगला हो गया, चलन जोगा नहीं रहा, टिक गया बैठ गया। इसे नु मिर्जा गालिब कहिंदा मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक सच दी गल मैनू समझ आ गई है, एक प्रेम दी गल मैं समझ ली है पर हुण मैं समझावां किस तरह, मैं कहण जोगा नहीं रहा, गूंगा।
कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान। शब्द दा बाण सुन के लगदा है, सत्संग करदिया करदिया किसी दिन कीर्तन दी पंक्ति इंज हिरदे नू लगदी है जिवें तीर लगदा है सीने। पाठ करदिया करदिया कदी गुरु दा शब्द इंज हिरदे नू लगदा है जिवें तीर तन नू लगदा है। अगर ऐसा है तो फिर हिरदे च सारी वासना निकल जांदी है, हंकार निकल जांदा है और फिर मनुख तड़पे हिरदे दे नाल वाहिगुरु जपदा है, वो जपना कबूल हो जाता है, प्रवान हो जाता है और मनुख ईश्वर का रूप हो जाता है। गल सारी सुन दी है, शब्द सुन का विषय है, गुरु सुन का विषय है। अगर सुन की जाच किसी नूं आ जाए तो साहब कहिंदे नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सारे दुख नास हो जाते हैं, सारे पाप नास हो जाते हैं। अज इतनिया विचारां प्रवान करनिया, कल तो कुछ जिवें रुचि बनी कोई लड़ीवार विचार आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगे। अज इतनी ही सेवा प्रवान करने, बने हुए प्रोग्राम के मुताबिक महापुरशां ने जो बनाया इत्थे, एक हफ्ता थोड़े चरण परसे ने। शाम को 8:15 तो 9 बजे तक रोज़ दास हाजरी भरेगा। उम्मीद है आप इस तरीके नाल हुमा के रोज़ दर्शन देवगे, गुरबाणी विचार सरवण करके अपना जीवन कृतार्थ करोगे ते दास नूं धनवादी बनाओगे। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद, भुल चुक दी क्षमा, दास दी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त आजूने सैभं गुरुप्रसाद, सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं।